तो जिस सिलसिले में हाजिर हूँ, इस्लामाबाद पहुँचा, मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद। ये सिलसिला शुरू होता है तकरीबन 22 जून 2009 से। 22 जून 2009 की पुलिस 15 कॉल है, उस दिन भी जुमतुल मुबारक था तकरीबन। तो जोजा हकीम से ये गुजार है मैं, मकान नंबर 924/6 अल्लाह ताला कॉलोनी शाहबद रोड अकबूदा, जब गली डॉक्टर सईद वाली जामा मस्जिद बिलाल है उसमें। तो ये सारी कलियाँ उससे मिलती हैं। मखदूम मुजफ्फर शाह साहब, सन ऑफ इन गुजार अहमद शाह साहब, उस वक्त वो पागल हो गए थे। और इसमें जनाब सैयद अशरफ शाह साहब 38 सिटी टाउन नज़ देरा यकूब रिहाइश पजी हैं। इससे पहले अहमद हसन डेर के घर के सामने वालों 10 मरले का कोठा होगा इनका। वालदा गरीब आदमी थी तो तर्स खाया जाए, इतना तो तर्स ना खाया जाए कि वो एक मिसाल है कि शेर को बंदर से काम पड़ गया। तो बंदर से उसको मतलब जो पड़ गया, बंदर पहाड़ पर चढ़ गया, तो वो बंदर था पहाड़ से उतर सकता है, ये तो अश से भी ऊपर है। तो उस वक्त वो पागल हो गया था। 22 जून 2021 से मैं ऑन बैड हूँ, तशद्दुद भी किया गया, बहुत कुछ किया गया, एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया मैंने, हर जगह बताया। और उसके बाद पुलिस 15 कॉल मैंने की 31/12/2021 को, सेकंड पुलिस 15 कॉल। उसके बाद थाना गुलगश्त में रिटर्न में एप्लीकेशन खुद दी, वहाँ मलकम जो साहब हैं, एक अजीज़ हैं, उनको बुलाया, साइन अंगूठा करवाना चाहते थे, दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, नफसियाती मरीज़ है। ये एप्लीकेशन मैंने तहरीर करके दी, सही नज़र नहीं आता था, TSI अली रज़ा गिलानी मुकर्रर हुए। तो माशाल्लाह अली रज़ा गिलानी भी, क्योंकि इनके चेला अव्वलों में शामिल हैं और मस्त मौला हैं, मस्त मौला आपको बताऊँगा कैसे हैं मस्त मौला। तमाम मुबैना तौर पर ये प्रोफेशनल किलर्स की तफसील, नंबर सब कुछ दिए गए। इसमें सेल फोन, सिम कार्ड सैयद मुनीर गिलानी के नाम से, जो इस इल्म में नहीं है, एप्लीकेशन में लिख के दे चुका हूँ, घर में जिस घर में रहते थे नहीं रहना चाहता था, वालदा के इंतकाल के बाद मिसेस का भी इसी तरह मर्डर हुआ, इस नाचीज के कत्ल के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उस पर प्लान बन एट्रैक्शन मिल रही है। उसके बाद आ जाते हैं फरुख शहजाद उर्फ गुड्डू भाई। अवलिन इब्तदा की इसने, दोस्त और दुश्मन का पता कैसे चलता है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब मुख परेशानी में दोस्त का पता चलता है, मुफलसी में दुश्मन का पता, बीवी का पता चलता है, ताकत में सबर का पता चलता है। अच्छा, उसके बाद AIG ऑफिस मेल की गई, मेल भी की, कॉल भी की 878 दो दफ़ा। SP गुलगश्त को डॉक्यूमेंट उसके PA को दिए गए, हर चीज़ अली रज़ा गिलानी को भी दिए गए, SHO को डील हुआ, उसको भी व्हाट्सअप किए गए, व्हाट्सअप पर ब्लॉक कर दिया, नफसियाती मरीज़ बना दिया। एप्लीकेशन जोन सी है ये वापस कर दी गई, प्राइम मिनिस्टर सेल पे फिर की, प्राइम मिनिस्टर का भी दायरा अख्तियार नहीं है। ये कॉपी है मार्क की हुई है, ये ऑनलाइन स्लिप के US एम्बेसी में मैंने देना था, ये ओरिजिनल ऑनलाइन स्लिप है। इसमें है 31/12/2021 17:41 एप्लीकेशन BZU 9001 PSI अली रज़ा गिलानी। अभी मस्त मौला कहते हैं, मैं आज चैलेंज किया था, जो बीमारियां, जो नशे, जो चीज़ें ये लगवाते हैं वो कोई और नहीं लगवाता, ठीक है। इस एप्लीकेशन देने से पहले मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले भी 22/12 को, 12 दिसंबर को रोज़ा मौसाफ और दूसरे अखबारों में भी खबर लगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बाद लगी। उसके बाद ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद TV चैनल को भी दिया गया। उसके बाद जवाब आता है जी नासिर रशीद साहब का, जो खास दरख्वास्त अशरफ शाह का करिंदा है, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी है कर ले, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी है कर ले। मुल्तान होटल ग्रीन पैलेस में ठहरा हुआ था, उसमें कुछ रकम थी। अब इनका तरीका कार क्या है, इनका तरीका कार ये है कि मीठे मीठे तरीके से घेर लेते हैं, अब इस नाचीज़ के ताल्लुक है, इस किसके पास कितना पैसा, अपने बंदों के पास पैसा फंसाओ और बाद में झुक जाए ठीक, नहीं तो मार दो। ये सिविल एविएशन अहमद मसूद मूसा साहब, इनके घर में CCTV लगे हुए हैं, साल कबल हर संडे नाश्ता इस नाचीज़ के बगैर नहीं होता था, ठीक है। ये रिटायरमेंट के काबिल हैं, इन्हें रिटायर किया जाए, एक्स किया जाए, साथ टैबलेट दे रहे हैं, भी मिठाइयाँ दे रहे हैं, भी कुछ दे रहे हैं। ये देखें 20 तारीख को सबको मैसेज करके एक दोस्त के पास गया कि 15 दिन हो गए खाना नहीं खाया, मेडिसिन लेनी है, वो लगवा दो, तशद्दुद किया, पैसे लूटे, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हसीब अशरफ सबको ये कहा जिस तरह मामला खराब किए थे उसी तरह सही करें, जिस तरह मामला खराब किए थे उसी तरह सही करें, ठीक है। ये भेजी गई इनको, ये तस्वीरें देखें, जबान भी काटी गई शायद इन तस्वीरों में, तो जाहिर बात लगेगा इंसान नफसियाती मरीज़ है। ये गोल्डन जुबली का टाइटल है, ठीक है, ये जबान काटी है। ये घर में रह रहा हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, मुजफ्फर शाह फरमा रहे हैं कि तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, भी एक बंदा रहने नहीं चाहता था उस वक्त, सैकी में कहते हैं भांदे दिहार से भांदी ना भांदी केशन भांदी, जब मेरी माँ अच्छी लगती थी तो उसका बेटा कहाँ से अच्छा लगता होगा। ये मकबूल साहब हैं, ये मेरे वाले की 3 शादियाँ थी, बड़े बेहतर जानते हैं कौन किस शादी में से, मेरे से बड़ा भाई था, उसका इंतकाल हो गया, उसके बाद साथ ही वाले की तदफीन है, ये उसको भेजे गए, ह्यूमन राइट्स में भी दिया गया। ये डॉक्टर उमर साहब को भी दिया, उमर मुश्ताक साहब, ये टाइटल है मेरा, जबान भी काटी गई। यशर शाह साहब की लोकेशन हैं, घर के साथ आगे बैठ रहे हैं, कैसे पता चलता है, बंदा ABC के 2 लाख पढ़ ले वो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक तआला फरमाया सबसे पहले एक रॉबिस मेरा बिकल लजी खल पढ़, उस अल्लाह के नाम से जिसने ज़मीन आसमान का मालिक है, पैदा किया नबी करीम। अब ये सेल फोन सिम कार्ड की कॉपीज़ हैं जो घर में खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें प्रोफेसर गिलानी साहब हैं, मुर्शिद नर्सिस कॉलेज में पढ़ाते हैं, बिग ब्रो को मकबूल ने, छोटे ने बिग ब्रो को फ़ोन किया, वो आएगा। पैडल मीन ख्वाजा इमरान सर कह रहे हैं बड़े बड़े मसले संभाल लिए हैं, सबसे छोटा मसला आगे छोटा संभाल लेगा, बड़े मसले की संभाल लिए, गवर्नर जनरल लगे। ये अखबार का है। अच्छा, चौधरी कैसे गुजर साहब हैं, उनको भी भेजा गया। डॉक्टर सईद साहब हैं, ये मुल्तान के एक वकील साहब हैं, हाई कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन करानी थी। A to Z मारो साइन अंगूठा कराने, साइन अंगूठा कराने, बजाय जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने के बजाय मजीद धमकियाँ दे रहे हैं। नासिर रशीद साहब कह रहे हैं जी जो पटना जी पढ़ लो, तुम जो पटना पढ़ लो। ये मेल भी की गई AIG ऑफिस में,
क्योंकि अब इसमें आ जाता हूँ मैं, कर्नल फारूक साहब हैं, ये कर्नल फारूक साहब हैं, कर्टन टावर शिमला पहाड़ी होटल लाहौर में 78 लाख रुपए हैं, पैक करके वीडियो की तस्वीर भी हैं इसकी। ये 2 साल से इनको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ये फॉलोस कर रहे हैं, ये लेटर हेड पैक कर्टन टावर होटल के लिखा हुआ है कि जिम्मेदारी हर किस्म की उन पर आयद होगी। ठीक है, ये ख्वाजा इमरान साहब हैं, 2009 में अरथा और मुजफ्फर जोन से, मखदूम मुजफ्फर साहब जोन से है, वो नफसियाती मरीज हो गए थे, ये सैयद अशरफ शाह को भी भेजे गए हैं, तशद्दुद किया, ये दांत भी 3 टूट चुके हैं। अब मैं मेन जो आऊँगा इस चीज़ पे, ये डॉक्टर हुसैन होम्योपैथिक की शॉप है इसकी घंटा घर पे, ये मिर्ज़ा इमरान है, ये नासिर है, नासिर कह रहे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर ले, पूछ रहे हैं फलां किस किस के पास कितने पैसे हैं, किस किस पैसों का तो जिक्र किया नहीं। अशरफ शाह इसके पास सिविक है, इस्लामाबाद नंबर की रिबर्थ 13 मॉडल है, 059 नंबर है, इसका सेल नंबर है 0300-734-6059। और नासिर रशीद का सबका इनमें दिया हुआ है, नासिर रशीद का इनका सबका दिया हुआ है सेल नंबर भी, हर चीज़ एप्लीकेशन में दी हुई है। अब मनशात फरोश हैं, मनशात फरोशी ऐसे है कि लड़के रखे हुए हैं कि नई नस्ल के नौजवानों को नशे लगाते हैं ये, और उनका नशे और बीमारियों का इलाज भी सिर्फ इन्हीं के पास ही होता है। अब उस नई नस्ल में आ जाएँ, एक जहाँ जेब उस्मान वल सत्तैन खान थीम 16 नंबर गली जिक्री टाउन में रहता है, उसको भी भेज रहा हूँ, स्टूडेंट है, बच्चों की तरह है, सबको मिला लिया। ये दूसरी है, इसमें नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये अशरफ शाह के अपने बेटे की तस्वीर लगाई है, उसके बेटे, इसके रिश्तेदारों सबको भेजा हुआ है। ये जरार जैदी, जरार जैदी से पूछूंगा कि जरार जैदी तूने 2 पिराडो बेच लिए, तू गवर्नर जनरल बन गया, तो कहा था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की यूनियन हिला दूंगा। अब इन नामों की तरफ आता हूँ, ये मलक अकरम जोया साहब हैं, इनको भेजी इब्तदा की फरुख शहजाद और गुड्डू 630-11 मती 12 गैर, DIG इमरान नज़ीर ओवरसीज कमीशन में है, वो इसका दोस्त है, हम प्याला हम वाला हैं, सूद खो रहे हैं, मनशात फरोशों को सपोर्ट करते हैं। तो इसके अल्फाज हैं, मेरा जो IG यार है पूरे पाकिस्तान की बहन को डैश कर दे, मैं आसिफ जरदारी से भी पैसे निकलवा लूँ, निकलवा सकता है वाकई। जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि दायरा अख्तियार नहीं है, अब आ जाएंगे DIG या IG, DIG डायरेक्टर जनरल, IG इंस्पेक्टर जनरल, पब्लिक सर्वेंट होता है इसका, ना चीज़ के कमीशन के पैसे सतम खा जाती है, पहले भी पैसे डूबे, अब भी पैसे डूबे, पहले रिकवर करा दो, मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ। ये कहता है इमरान खान को भी वज़ीर आज़म जोन साहब पीरों ने बनवाया, और मिसाल ये देंगे, 4 कुल नाजिल हुए। अब सुने, हम लोग जोन से हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, ईमान नहीं है, सच कहते हैं। पैदाइशी मुसलमान कैसे हैं, कुरान पढ़ते हैं, तर्जमा जो लिखा हुआ पढ़ लिया, अल्लाह तबारक व तआला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का सिलसिला हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला पे तोहमत लगी, नऊज़ बिल्लाह, बंद हो गया, बहुत परेशानी हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत से है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ खदीजा, अगर कोई गलती हुई है तो गुना तौबा कर लो रब से, रब पूरे का पूरी अपने कुरान मजीद में कहीं इतना गज़बनाक नहीं रब ताला के अल्फाज है जो 11 आयात नाजिल हुई, और रब ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल, माथे पे पसीना आया, तो कहा ऐशा मुबारक हो, तेरा ताला ने तेरी सफाई दी है। उम्मे सलमा तशरीफ़ फरमाती हैं, आपने फरमाया कि इस नबी का शुक्रिया अदा करो, मैं फरमाया कि नहीं, मैं उस रब का शुक्रिया अदा करूँगी जिसने मेरी गवाही दी है, इतना गज़बनाक नहीं हुआ। फिर चाल कुल नाजिल हुई, अल्लाह ने लानत भेजी ऐसे लोगों पर, अल्लाह और उसके फरिश्तों और मोमिन मोमिनात की तरफ से लानत ऐसे लोगों पर, अल्लाह ने इल्म नाजिल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम दुरूद पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, अरब में जाके क्यों नहीं करते दम दुरूद, घेरो उन्हें, अपने पैसे लो, गाड़ी कहाँ से आई इसके पास, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका। अच्छा, अब कर्नल फारूक साहब से आ जाना, इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं, इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले हैं सारे माशाल्लाह, चौधरी अहमद मसूद मूसा साहब भी दाढ़ियों वाले हैं, बेहिस ब्लॉक कर रहे हैं, ये देखें कर्नल फारूक साहब को 2 साल से एक एक चीज़ भेजूँ, भाई अल्लाह के बंदो आप कुछ करो, मारने की वजह अब पुलिस बताएगी, पुलिस इन्वॉल्व है, अब मस्त मौला TSI और SHO कहाँ से मस्त मौला हैं सारे, जहाँजेब खान है, इलियास खान थीम है, कज़न है, पास आ जाए ठीक है, पैसे भी लेट हो नहीं तो मार के खा लो, पता नहीं चले, प्री प्लान मर्डर हो, पता चले कि मेडिकली जोन से ना डेथ हुई है, मेडिकली तौर पर डेथ हुई है इसकी ना। इंसानियत तो इंसानियत कतन मौजी कबल लिजा का मैंने सीखा फरमाया था, कोई दिखा दे वो जानदार के लिए है, इंसानियत भी नहीं देखी, अगर पता होता तो इतनी नफरत करते, खुद को कहा थाने में भी काटी ऐसे को लिख के दे दो, TSI मस्त मौला क्यों है। अच्छा, और दूसरी बात ये उनसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि टाइम कम है, सियासी गर्मा गर्मी की वजह से 13 से 3 साल मुसलसल हो चुके हैं 3 साल में, कि इस मामले को सीरियसली देखें, पुलिस कॉल्स रूल्स अप टू फॉलो कर चुका हूँ,
सेल्फ डिफेंस डिफेंस का इख्तियार मुझे कानून देता है। इस करूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से विद हम्बल रिक्वेस्ट एंड आर्मी चीफ को हम्बल रिक्वेस्ट कि इनफ हो चुका है, ये मैसेज जॉन साहब मेरा लास्ट मैसेज है, इसके बाद मेरा ए टू जी खर्चा इन पर डिपेंड करता है। एक्सीडेंट करवाया गया, ये वॉइस मैसेज में बोल रहे हैं, क्यों करवाया गया? उसमें अलीम नवाज पाक मोटर्स वाला ऑल बॉडी लूजर सूद खोर है, सिर्फ कसूर इतना है कि आप जिस तरह करते हो इस तरह ना करो, आप सीधे तरीके से करो, हराम तरीके से आप लोगों को लूट के खाते हो। अगर एक आदमी 10 लाख रुपए महीना कमाता है, अगर वो साल में 20 लाख 10 लाख का या 8 लाख का टैक्स देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।